पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। शहर कृष्णमय नजर आया। बाल गोपाल के जन्म दिवस को लेकर सुबह से ही घरों और मंदिरों में खासा उत्साह नजर आया। लोगों ने लड्डू गोपाल के जन्म दिवस पर उपवास रखा। रात 12 बजे कान्हा के जन्म लेते ही बधाइयां गाई गई। घरों में मंदिरों को रंग बिरंगी झालरों और फूलमालाओं से सजाया गया। लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाई गई। शहर के विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भव्यता के साथ आयोजन किए गए। मंदिरों को भव्यता के साथ सजाया गया। मध्य रात्रि जैसे ही 12 बजे घड़ी की सुइयों का मिलन हुआ, मंदिरों और घरों में शंख ढोल नगाड़ों मजीरों की ध्वनि गूंजने लगी। सभी एक दूसरे को कृष्णलाल के जन्मदिन की बधाई देने लगे। लोगों ने बाल गोपाल का अभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। उन्हें झूला झुलाया गया। उन्हें मेवा मिष्ठान मक्खन मिश्री का भोग लगाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत सही। अरे चला रहा है, छुप रहा है। नहीं सही, अच्छा। ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा तेज नहीं, हल्के नहीं, ठीक। चलो भाई, इधर देखो भाभी, भाभी जी सामने। दिनांक 6 सितंबर 2023 को श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो प्रवचन है वो आचार्य धीर शांत दास जी के द्वारा हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त भाग ले रहे हैं। इसके बाद 9 बजे से यहाँ पर दुग्ध अभिषेक स्वर्ण कलश के द्वारा किया जाएगा, और जो कि 11 बजे तक चलेगा। इसके पश्चात महाआरती होगी और फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। और मेरे सभी भक्तों से निवेदन है कि जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, सबके घर में बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके घर में किशन रूपी पुत्र की आप उत्पत्ति हो, ऐसा मेरा विचार है। और जो भी जनमानस, जो भी जिस इच्छा से आया है मैं श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में, वो सबकी इच्छाएं पूरी हों। हरे कृष्णा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।